चलते एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हथियारों से लैस चार बदमाशों को एक होटल से दबोचा है। इसमें कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर का साथी दानवीर गुर्जर, जो पपला का साथी बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही के दौरान पता चला कि बदमाश हथियारों के बल पर होटल में ही संचालित स्पा सेंटर की दो महिला कर्मचारियों को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म भी कर चुके हैं। ये बदमाश एक बिल्डर की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। भिवाड़ी मोड़ के पास हरियाणा के एक बिल्डर की हत्या करने की फिराक में ठहरे पांच बदमाशों को पुलिस ने रात करीब 1:30 बजे सशस्त्र ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से दो विदेशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस सहित एक कार भी बरामद की गई है। वे बदमाश हरियाणा के द्वारकाधीश सोसाइटी के एक बिल्डर की हत्या करने के इरादे से यहां आए थे। कल गुड़गांव से एक आपराधिक गैंग आके या ओयो होटल है भिवाड़ी में, उसमें रुकी थी और हथियारबंद गैंग थी। इसके बारे में हमको सूचना मिली कि एक हथियारबंद गैंग आकर होटल में रुकी है और होटल में दो लड़कियों को उन्होंने बंधक बना लिया है। इस सूचना के आधार पे थानाधिकारी भिवाड़ी श्री जितेंद्र सिंह ने सशस्त्र कार्रवाई करते हुए जो है लड़कियों को भी मुक्त कराया, पांचों अभियुक्तों को, पांचों बदमाशों को हिरासत में लिया। उनसे गहनता से पूछताछ हुई तो ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति जो है फिरौती के लिए कल कोई अगले दिन मर्डर करने के लिए यहाँ आए हुए थे। इनको मर्डर हरियाणा में करना था किसी बिल्डर का, व्यवसायी का, उसके संबंध में आए थे। इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन सबको जो है गहनता से हम पूछताछ कर रहे हैं। इनकी पूरी योजना के बारे में, इनकी पूरी आपराधिक गैंग के बारे में, इनके सहयोगी और साथियों के बारे में, और शीघ्र ही इसमें जो है हम और आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्डर की सर मर्डर करने के लिए आए थे, कोई ठोस वजह कुछ से? इस बाबत अभी अनुसंधान जारी है कि ये कोई जो मर्डर है, लेकिन प्रारंभिक मर्डर के लिए आए थे, क्यों आए थे, लेकिन जो प्रारंभिक सूचना और अनुसंधान से जाहिर हुआ है वो ये लगा है कि इन लोगों ने उसके लिए जो उससे फिरौती मांग रहे थे और वो फिरौती देने से मना कर रहा था। कितने लाख की फिरौती मांग रहे हैं ये अभी अनुसंधान का विषय। अभी की पूछताछ सर कोई बड़े गैंग से इनके तार जुड़े हुए या खुद ही बड़े गैंगस्टर हुई है? हाँ, बड़े आपराधिक गैंगों से इनके संबंध पूर्णतया हो सकते हैं और इस बाबत अभी हम पूर्ण अनुसंधान कर लें, अनुसंधान से चीज़ों को स्थापित कर दे, उसके बाद कुछ बता पाएंगे। पकड़ा गया आरोपी पपला गुर्जर से भी जुड़े बता रहे इसके दानवीर के पूर्व में दो हत्याओं में इसका संबंध जो है पपला गुर्जर से रहा है और उसके साथ ये सहअपराधी रहा है दो हत्या के मुकदमों में। लेकिन भिवाड़ी पुलिस को भनक लगते ही एसपी राममूर्ति जोशी ने हथियारों से लैस होकर जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देकर 20 पुलिस कर्मियों को ऑटोमेटिक हथियारों के साथ रात 1 बजे होटल में दबिश दिलवाई, जहां होटल के बाहर खड़ी एक कार पहले पुलिस कर्मियों ने उसकी हवा निकाली ताकि आरोपी भागने में सफल ना हो पाए। फिर होटल के कमरा नंबर 201, 202 और 205 में रुके बदमाशों की रेकी की गई। इसके बाद तीनों कमरों के दरवाजों को तोड़कर आरोपियों को दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में 24 वर्षीय नेहरू उर्फ नरेश गुर्जर निवासी जिंदा मोहल्ला भिवाड़ी का है, वहीं 21 वर्षीय दानवीर गुर्जर निवासी गढ़ी भीमा थाना शेरगढ़ यूपी का रहने वाला है और 21 वर्षीय प्रिंस तिवारी निवासी तिवारीपुर जिला सुल्तानपुर यूपी का है, जो हाल ही में रामवीर कॉलोनी भिवाड़ी के एक मोहल्ले में रहता है। वहीं एक 27 वर्षीय लोकेश उर्फ मन्नू निवासी मुक्तिबाड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 24 वर्षीय राहुल जो निवासी धारुएड़ा का है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम जब अंदर पहुंची तो बदमाश दो युवतियों के साथ मिले। दोनों युवतियां होटल में संचालित स्पा सेंटर की कर्मचारी हैं। होटल मैनेजर को डराकर हथियारों की नोक पर उनसे दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने लड़कियों का मेडिकल भी कराया है।